हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कोर्सों की जानकारी देने के सिलसिले में आज हम उपस्थित हुए हैं LLB कोर्स की जानकारी लेकर। अगर आप भी कहीं LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कहीं पे सर्च कर रहे हैं कि कैसे LLB किया जाता है, LLB करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, LLB में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और LLB कोर्स की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। LLB जो कि एक बैचलर ऑफ लॉ होता है और यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लेगम बेकल। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद इसमें क्या क्या प्रोफेशन हो सकता है, यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है। तो एज ए प्रोफेशन में आप वकील के तौर पे भी कार्यरत हो सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप मीडिया में भी कार्यरत हो सकते हैं, यानी किसी बड़े न्यूज़ चैनल में एज ए लेखन के रूप में भी कार्यरत हो सकते हैं। अगर आप राजनीतिक फील्ड में आते हैं तो राजनीतिक फील्ड में किसी बड़े पार्टी में एज ए सलाहकार के रूप में या किसी बड़े ओहदे पर रह के भी कार्यरत हो सकते हैं। बात करते हैं हम इसमें LLB में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका दो टाइप का कोर्स होता है, एक LLB एक BA LLB। BA LLB इंटर बाद एडमिशन लिया जाता है और LLB जो कि किसी ऑनर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद LLB में एडमिशन लिया जाता है। तो अगर आप इंटर बाद एडमिशन लेते हैं तो इंटर बाद एडमिशन लेने के लिए वो कोर्स होता है BA LLB जो कि 5 ईयर्स का होता है। यानी अगर आप इंटर कंप्लीट कर लिए, इंटर कंप्लीट करने के बाद अगर आप LLB कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए BA LLB कोर्स है जो कि 5 ईयर्स का है। इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आपको दो टाइप का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो कि एक होता है BA का और एक होता है LLB का जो कि यह 5 ईयर्स का होता है। अगर आप कोई ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि यह 3 ईयर्स का होता है, जिसे LLB कहते हैं। इसके साथ ही साथ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है, तो आपका कार्य क्षेत्र राजनीति विज्ञान, विधि शास्त्र, बौद्धिक संपदा का कानून, बैंकिंग, अपराध, कानूनी लेखन, पर्यावरण कानून, पारिवारिक कानून, प्रशासनिक कानून, मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून, कानूनी तरीके, यानी इसमें आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी इसमें कमी नहीं है, यानी इसमें कार्यक्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं। इसमें जितना आपका कार्यक्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यानी LLB कोर्स की यही खासियत है कि इसमें कार्यक्षेत्र अथाह है। इसके साथ ही साथ इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप में एक स्किल डेवलपमेंट होता है, यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसके साथ ही साथ आप में और क्या क्या स्किल डेवलप हो पाएगा। इसके स्किल में आपका व्यापारिक जागरूकता, समय प्रबंधन, संचार कौशल, शैक्षणिक क्षमता, कानूनी अनुसंधान एवं विश्लेषण, आत्मविश्वास, धैर्य, यानी इतने सभी स्किल्स आप में यह कोर्स में करते समय आप में डेवलप हो पाएगा, जो कि इस कोर्स की सबसे बड़ी मेरिट है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोर्स में आपके स्किल में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो कि ये सभी स्किल्स आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इस LLB में कौन कौन से लॉयर बनते हैं, तो इसमें है क्रिमिनल लॉयर, कॉरपोरेट लॉयर, साइबर लॉयर, टैक्स लॉयर, बैंकिंग लॉयर, फैमिली लॉयर, यानी अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो इन सभी में कोई भी ब्रांच में आप एक अच्छा लॉयर बन सकते हैं। लास्ट में देख रहे होंगे प्रतिष्ठा, पावर, सम्मान, यानी इस कोर्स की यह खासियत है कि इसमें आपको प्रतिष्ठा भी मिलता है, आपके पास पावर भी रहता है और साथ ही साथ आपको सम्मान भी मिलता है। यानी इस कोर्स की सबसे बड़ी मेरिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यानी कोर्स कंप्लीट किए आप पैसा भी अर्न कर पाएंगे, आपके पास पावर भी होगा और आपके पास सम्मान भी होगा। कोर्स ऐसा करें ताकि अगर कोई भी आपका जॉब नहीं हो पाता है, यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाता है, तो उस कोर्स से आगे आपको बेनिफिट हो सके, यानी कुछ आप उस कोर्स से अर्न कर सके। तो इसी सिलसिले में LLB कोर्स बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो एक अच्छा खासा आपके पास पैसा के साथ साथ आपके पास पावर भी रहेगा। भारत युग में दुर्योधन गलत होने के साथ ही साथ उसका कर्ण उसका साथ हमेशा देता रहा लास्ट तक, वैसे ही वकील इस समय के युग में आपका कर्ण वो साथी है, यानी आप गलत हैं, वो जानता है कि आप गलत हैं, फिर भी आपके साथ वो बना रहता है, अंत तक आपके केस की पैरवी करता है, लड़ता है आपके साथ। यानी कलयुग का
कर्ण आपका वकील ही है, यानी यह एक अच्छा प्रोफेशन है। इसके समय में स्टूडेंटों के द्वारा काफी ज्यादा इसे प्रेफर किया जा रहा है और काफी ज्यादा इसे पसंद किया जा रहा है, जो कि इस समय आने वाली जनरेशन का काफी ज्यादा यह पसंदीदा कोर्स हो चुका है। तो कोर्स में जरूर एडमिशन लें, आने वाला समय काफी ज्यादा संघर्षमय होने वाला है। अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, किसी बड़े एमएनसी कंपनी में कार्यरत होते हैं, तो अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाता है या एमएनसी कंपनी से आप निकाल दिए जाते हैं, तो कोई ऐसा कोर्स आपके पास रहेगा जिसके बदौलत आप एक अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे या आपका पावर पोजीशन बना रहेगा, तो उसमें आपका ये अगर एलएलबी कोर्स करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस कोर्स में ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लें, और कोई अन्य डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास ज़रूर करें।